हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन ब्रेन बक्स इंडिया यूट्यूब चैनल। ब्रेन बक्स इंडिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संयुग्मी, जिससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये टॉपिक बहुत ही इजी है। तो यहाँ से पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो लिखो बेटा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड is denoted by z bar and it is obtained from z by taking reflection of z in रियल एक्सेस। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को जेड के कॉन्जुगेट को जेड बार से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू जेड का वास्तविक एक्सेस में रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब लेने पे प्राप्त होता है। जैसे मैं आपको यहाँ से समझाऊँ, अपना ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाला एक्सेस क्या होता है बेटा, रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, ये होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा, ये माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। इसमें कोई पॉइंट है यहाँ पे जेड, ठीक है, ये पॉइंट दिया हुआ है जेड इक्वल टू ए बी, इसका मतलब समझ गए। तो इसका अगर आपको कॉन्जुगेट निकालना है तो इस पॉइंट का, ये पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट का क्या ले लो, प्रतिबिंब ले लो यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रतिबिंब लेने पे, इस रियल एक्सिस में प्रतिबिंब लेने पे क्या हुआ, ए का वैल्यू तो सेम रहा, यहाँ से z बार क्या निकल जाएगा, a का वैल्यू सेम रहा और b का वैल्यू माइनस बी। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि z का a प्लस आयोटा b, और a b क्या है बेटा, रियल नंबर है, ये बताइए इसका z बार, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b, इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बोलते हैं। यहाँ पे जो आयोटा वाला साइन है वो चेंज हो जाएगा बेसिकली। इसी तरीके से अगर आप दूसरा एग्जांपल लो, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है z2 दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे मान लो माइनस थ्री माइनस का फाइव आयोटा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। तो इसके अगर कॉन्जुगेट की बात करें हम, तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन ऐसे, ठीक है, तो z2 बार ये क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस थ्री और प्लस का फाइव आयोटा, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। तो कॉन्जुगेट क्या है, कॉन्जुगेट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल एक्सिस में, वास्तविक अक्ष में क्या है, प्रतिबिंब है। तो इससे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल के लिए देख सकते हो, जैसे जेड दिया हुआ है माइनस सेवन प्लस थ्री आयोटा, इसका जेड बार निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सेवन एज इट इज, और जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल लेना चाहो, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया, z इक्वल टू दिया हुआ है टेन माइनस थर्टीन आयोटा, तो इसका z बार कितना हो जाएगा, टेन प्लस थर्टीन आयोटा। तो यहां से इस तरीके से कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। यहां से अगर z इक्वल टू दिया हुआ है टेन, तो इसका z बार क्या होगा, इसका z बार क्या होगा, टेन, क्योंकि ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट इसमें जीरो है। या आप लिखना चाहो तो ये प्लस आयोटा जीरो करोगे तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर जेड दिया हुआ है माइनस का सेवन आयोटा, तो यहाँ से इसका जेड बार क्या होगा, इसका जेड बार हो जाएगा प्लस का सेवन आयोटा, ठीक है। तो ओनली साइन किसका चेंज होगा, जो आयोटा के मल्टीपल में है उस कोफिशियंट का साइन चेंज होगा। तो यहां से अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको हम लिख लेते हैं वन बाई वन करके। तो यहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहां से लिख लीजिए आप, फोर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है, पहला पॉइंट लिख लिया। दूसरा पॉइंट लिख लो, इफ जेड इज प्योरली रियल, अगर बेटा जेड क्या है, प्योरली रियल है, शुद्ध
वास्तविक है, तो मतलब क्या हुआ, शुद्ध वास्तविक का मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो है, मतलब क्या हुआ वाई वाला पार्ट क्या जीरो है। तो नंबर कहाँ पे लाई करेगा, नंबर लाई करेगा रियल एक्सिस पे, ये जो रियल एक्सिस है वो ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा या यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है जेड इक्वल टू जेड बार, जेड इक्वल टू क्या होता है जेड बार। एग्जाम्पल के लिए अगर जेड इक्वल टू माइनस फाइव है तो इसका जेड बार भी क्या होगा माइनस फाइव, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब है, इस पॉइंट का जो प्रतिबिंब है इस मिरर पे, इस रियल एक्सिस पे, वो यहीं पे बनेगा। इस प्रॉपर्टी को आप लिख सकते हो कि ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ, मैथमेटिकली ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ कि जेड कैसा नंबर है, प्योरली रियल नंबर है। कई बार लिखा हुआ आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, जेड इक्वल टू जेड बार का मतलब क्या हुआ, नंबर कैसा है शुद्ध विशुद्ध वास्तविक, विशुद्ध मैं लिख देता हूँ वास्तविक। ग्राफ से मैंने बता दिया है। थर्ड वाला पॉइंट लिख लो, थर्ड वाला पॉइंट लिख लो, इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी, कैसा है इमेजिनरी है, तो इसमें क्या हुआ दैट इज एक्स वाला पार्ट क्या है जीरो। यहां से क्या हो जाएगा, जब इसको आप ड्रॉ करोगे ऐसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ये माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है और यहाँ से माइनस का रियल पार्ट ऑफ जेड है। नंबर कुछ इस तरीके से लाई करेगा, जैसे यहाँ पे लाई कर रहा है जैसे नाइन आयोटा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इसका जो कॉन्जुगेट होगा, ये मैं जेड मान लेता हूँ, इसका जो जेड बार बनेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जेड बार क्या हो जाएगा माइनस का नाइन आयोटा, माइनस का नाइन आयोटा। तो यहाँ से प्रॉपर्टी क्या आ गई, यहाँ से क्या प्रॉपर्टी बन गई कि अगर जेड बार इक्वल टू माइनस जेड के इक्वल हो तो वो क्या होता है बेटा, प्योरली कैसा होता है इमेजिनरी, विशुद्ध काल्पनिक। इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिख ले, विशुद्ध काल्पनिक क्या होता है, विशुद्ध काल्पनिक होता है, ये मैंने लिख दिया है। इस प्रॉपर्टी का ऐसे लिखा जाना ही क्या होता है, विशुद्ध काल्पनिक। एग्जाम्पल के लिए जेड इक्वल टू टेन आयोटा, जेड बार इक्वल टू माइनस टेन आयोटा, टेन आयोटा की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा जेड, जेड बार इक्वल टू माइनस का जेड, ठीक है। माइनस को इधर लाके भी लिख सकते हो, एक ही बात है, जेड इक्वल टू माइनस जेड बार, इसका मतलब होता है प्योरली इमेजिनरी, समझ गए। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है कि कौन सा क्या कंडीशन है। अब यहां से नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जो भी कॉन्जुगेट का फोर्थ प्रॉपर्टी है, किसी भी कॉन्जुगेट जेड का अगर फिर से बार ले ले तो ये किसके बराबर होगा, जेड के इक्वल। समझाना बहुत इजी है, जेड इक्वल टू वन प्लस आयोटा है, जेड बार इक्वल टू वन माइनस आयोटा, और इसका फिर से बार लेंगे ये क्या हो जाएगा वन प्लस आयोटा, और ये किसके बराबर है जेड के बराबर। तो ये वाली चीज आ गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप कि जेड वन प्लस जेड टू का बार, तो हम जेड वन का बार प्लस जेड टू का बार लिख सकते हैं, ये जेड वन जेड टू दो के लिए नहीं एन के लिए एप्लीकेबल है, मतलब जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री अप टू एन के लिए करोगे तो भी यही प्रॉपर्टी आएगा। इसी तरह से माइनस के लिए जेड वन माइनस जेड टू का बार को हम क्या लिख सकते हैं, z1 बार माइनस z2 बार, यहाँ पे माइनस का साइन चेंज नहीं होगा। अगला लिख सकते हैं डिवाइड के लिए, z1 अपॉन z2 का अगर बार लिखना है, इसको हम लिख सकते हैं z1 का बार डिवाइड बाय z2 का बार, बस z2 क्या होना चाहिए बेटा जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं तो वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। इसके बाद मल्टीपल का लिख लो, मल्टीपल का लिख लिया आपने Z1, Z2, चलो Z3 तक ले लेते हैं, इसका बार लिखोगे तो क्या हो जाएगा Z1, Z2, Z3 का अलग अलग बार लगाना है। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हो, Z की पावर n का अगर बार निकालना है तो Z बार की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगला लिख सकते हो Z का प्रतिलोम का संयुग्मि निकालना है तो z बार का संयुग्मि, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है कॉन्जुगेट की जो मैंने वन बाय वन करके यहाँ पे लिख दिए, तो इसको आप याद रखना है।
अब यहां से एक दो प्रॉपर्टी मैं आपको समझा देता हूँ जो अभी आई थी। देखो यहाँ से क्या आई थी प्रॉपर्टी, इसको नोट करके लिख लो, आप नोट करके लिख लीजिए बेटा, इसको नोट करके लिख लो। फर्स्ट देखो, अभी हमने लिखा था जेड इक्वल टू जेड बार, कौन से केस में? विशुद्ध वास्तविक, ठीक है, वास्तविक में तो लिखा था। ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से भी लिख के आ सकती है, जेड माइनस जेड बार बराबर जीरो, तो इसका भी मतलब क्या है? यही मतलब है, ठीक है। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी क्या आई थी? जेड बार इक्वल टू माइनस जेड, तो अगर ऐसा लिखा हुआ हो जेड प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो, तो ये किसको डिनोट करता है? विशुद्ध काल्पनिक, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टीज एग्जाम में पूछी जाती है, ऑप्शन दे देगा विशुद्ध काल्पनिक, विशुद्ध क्या है, वास्तविक, दोनों हो सकता है। इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज का आप यूज कर सकते हो। इसके बाद आगे चलते हैं कॉन्जुगेट में, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू 1/6 + 8 आयोटा, इसका हमें क्या निकालना है? कॉन्जुगेट निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? हमें निकालना है जेड बार। तो जेड बार के लिए क्या करोगे? पहले इसको क्या करो, इस तरीके से लिख लो 6 + i/8, उसको रैशनलाइज कर लो एक बार, 6 - i/8, क्योंकि ऑप्शन आपको इसी तरीके से मिलेंगे। ऊपर क्या आ गया? 6 - i/8 डिवाइड बाई, यहाँ से कितना हो गया? ये तो 100 हो गया, ये हो गया जेड। इसका अब जेड बार क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट जेड बार क्या हो जाएगा? 6 + 8 i डिवाइड बाई 100, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए रहेंगे, तो आप रैशनलाइज करके ऐसे कॉन्जुगेट बता सकते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन जो एनडीए में पूछा गया है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, इफ कॉन्जुगेट ऑफ x + i/y 1 - 2 i इज 1 + i, देन बताना है कौन सा ऑप्शन इससे ट्रू होगा। पहला ऑप्शन है x = 3/5, बी ऑप्शन है y = 2/5, सी ऑप्शन है x + y = 1 - i/√1 - 2 i, और डी ऑप्शन है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x - i/y = 1 - i/√1 + 2 i, ठीक है। करिए आप सॉल्व, एक बार पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कि इसका x + i/y 1 - 2 i का अगर कॉन्जुगेट संयुग्म भी 1 + i हो, तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तो इसको सॉल्व करते हैं हम। यहां से देखिए, हमें दिया हुआ है x + i/y 1 - 2 i का प्रतिलोम क्या दिया हुआ बेटा? क्या दिया हुआ है? 1 + i। तो मतलब क्या दिया हुआ है कि ये जो इसका जो प्रतिलोम आप जब निकालोगे, तो ये इसके इक्वल आएगा। अब इस प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं? x + i का इंडिविजुअल प्रतिलोम निकाल लिया, और 1 + 2 i का, ये आयोटा है, ये किसके बराबर हो गया? 1 + i के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x - i/y, और यहाँ से 1 - 2 i बराबर 1 + i, तो यहाँ से x - i/y किसके इक्वल आ गया? 1 + i/√1 - 2 i, इसके बराबर आ गया। यहाँ माइनस था तो यहाँ पे क्या हो गया? अच्छा, मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट, ये यहाँ पे माइनस था तो बेटा यहाँ पे अभी प्लस नहीं करना था, अभी तो इसमें क्या करना था कि ऊपर लगा हुआ कॉन्जुगेट, अब ये प्लस हो जाएगा, अब ये प्लस, ठीक है। अब ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? x - i/y इक्वल टू, दोनों पॉजिटिव, x + i/y दोनों पॉजिटिव, तो दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं मिल रहा। अब क्या करते हैं, ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा तो हमें इसको चेक करना है कि इसी को अगर हम कॉन्जुगेट ले ले दोबारा, इसी का पूरे का x - i/y का कॉन्जुगेट, और यहाँ से 1 + i और 1 + 2 i का अगर कॉन्जुगेट ले ली, तो ऑप्शन तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x + i/y = 1 - i और 1 - 2 i, तो ये ऑप्शन हमें कहीं मिल रहा है?
ऑप्शन को पहचानना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ से ऑप्शन मैच कर रहा है सी, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में पूछा था, ठीक है। आप इनको ऑप्शन को देख सकते हो कौन सा ऑप्शन मिलेगा। तो ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है। सिंपली कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल एक्सिस जो वास्तविक एक्सिस है उसमें रिफ्लेक्शन होता है। प्रॉपर्टीज आपको थोड़ा याद रखना है, जिसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मैंने आपको लिखवा दिए यहाँ पे। आप कौन सी प्रॉपर्टी, इनका मतलब समझे जरूर, इनका जो भी मतलब होता है, ये क्या लिखा हुआ है इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब होता है प्योरली रियल, ठीक है। कई बार एग्जाम में आता है और ये हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। ऐसा लिख के फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसा एग्जाम्पल के थ्रू में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कॉन्जुगेट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए जो भी आपके डाउट है, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने भाई बहनों के साथ इसको शेयर करें जो भी 11th 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए जेईई मेंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।